आज के क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, अगर आपके भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको ये वीडियो देखना है ताकि आप समझ सके किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं, फिर कोई कॉम्पिटिशन वगैरह का एग्जाम होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में पूरा करते हैं तो 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये वर्क ऑन टाइम जैसे होते हैं उस तरह रूल से बनाएंगे इसे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसे आसान तरीके से बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना दिया ताकि आपको बनाने में सोल्व करने में आसानी होगी। ये मैंने बॉक्स बना दिए। सबसे पहले क्या है, आदमी की संख्या दी हुई है और दिनों की संख्या दी हुई है, यानी यहां ली देंगे आदमियों की संख्या, क्या होगा आदमियों की संख्या, ये हो गया आदमियों की संख्या, नीचे हो गया दिनों की संख्या, नीचे क्या हो गया दिनों की संख्या। इस तरह का बॉक्स में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक सीधा लाइन खींचेंगे और ये चार बॉक्स बना देंगे इधर खाली। जब आदमी कितना था 45, आदमी कितना था 45, तो कितने दिन लगे थे 49 दिन, 49 लिख देंगे। ठीक है, 45 आदमी थे, 49 डेज लगते थे, तो हमने मैंने ऐसे लिख दिया। अब दूसरा हम देखे फिर क्या बोलता है, उसी काम को पूरा करेंगे। 35 आदमी यानी 35 आदमी है तो आदमी की संख्या में लिख देंगे 35, और कितने दिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन मालूम नहीं है, इसका आंसर नहीं मालूम है, हमको निकालना है, तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, या इसके जगह पे कुछ नहीं तो हम एक्स लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली ये बात है, पहले आप देखना है कि आदमियों के बढ़ने से दिनों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी। ठीक है, इसे प्रत्यक्ष और प्रतिलोम, जिसे विलोम अनुपात कहते हैं, ये प्रतिलोम अनुपात इसको समझने में आसानी होगी, प्रत्यक्ष या प्रतिलोम। ठीक है, डायरेक्ट इसको भी बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आदमी अगर ज्यादा होगा तो कम दिन में काम हो जाएगा, और आदमी अगर कम होगा तो ज्यादा दिन में काम पूरा होगा। ये ना है, आदमी कम लगेगा तो ज्यादा दिन में काम करेंगे, ज्यादा दिन काम लगेगा, लेकिन अगर आदमी ज्यादा होगा तो कम दिन में ही काम समाप्त हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, आदमी की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो दिनों की संख्या घटती जाएगी, यानी कम दिन में होता जाएगा। तो यह जो है यह प्रतिलोम अनुपात हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम, यह प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि एक चीज बढ़ रहा था एक चीज घट रहा है। अब प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, जैसे मालूम चल जाएगा कि एक चीज बढ़ने से दूसरा चीज घटता है या दूसरा चीज बढ़ने से पहला चीज घट रहा है, तो इस तरह के अनुपात को हम लोग प्रतिलोम अनुपात कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। और उसमें सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से, जैसे 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, ठीक है, ये एक तरफ रहेगा, और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। ठीक है, अब अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में 45 इंटू 49, और जो गुने में यहाँ 35 है, 35 है, वो इधर को ले आएंगे तो कहाँ जाएगा बाय में, इस तरह 35 यहाँ इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको काटना है तो पहले हम काटेंगे किसे, 5 काटते हैं, 5 9 जा यानी 9 5 45 और 7 5 35। ठीक है, काट दिए 5 से, अब सत का पहाड़ा में 49 दिया था कितने बार में, 7 बार में। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 9 × 7, 9 × 7 9 × 7 बचा, बराबर हो गया x, तो 9 × 7 = 63 बराबर x, तो x बराबर 63 आया, 63 आया, इसका मतलब दिनों की संख्या क्या होगी 63। दिनों की संख्या हम लोग x माने थे, क्या माने थे x, देखिए तो दिनों की संख्या क्या लिखे थे x, और x बराबर कितना आया 63, तो दिनों की संख्या x बराबर क्या आया 63, और ये हमारा आंसर हो गया, यानी 63 दिन लगेंगे। अब उस काम को 35 आदमी करेंगे तो उस काम को करने में उन्हें 63 दिन लगेगा, 63 डेज। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।